हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं टैली का पूरा कंप्लीट कोर्स। सो आज टॉपिक है वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। कैसे हम टैक्स किसी भी आइटम पे अप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो इसका हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे टैक्स को काटा जाता है, फिर अगर परचेस कर लिया, सेल किया, तो दोनों में आपने वैट दिया, फिर आपको बैंक को कैसे पेमेंट करना है, इनका पूरा प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे वैट है तो आप देख लो अच्छे से। इसका जो डेफिनेशन है, यानी वैट इज़ अ लेवी, एक टाइप का कर होता है, ठीक है, और ऑन द ग्रॉस मार्जिन एट ईच प्रिंट इन द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल प्रोसेस ऑन आइटम। यानी अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, कोई आइटम बना रहे हो या उसको बेच रहे हो, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम था वैट, ठीक है। अभी क्या है, देखो वैट भी चल रहा है और जीएसटी भी चल रहा है, क्योंकि जो पांच ऐसे आइटम है ना, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, गैस है और पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अभी भी वैट लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी वैट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें जो फिलहाल मैं चार रेट दिखा रहा हूँ, एक है 0% रेट, यानी एग्जाम्ड, इसे कहते हैं शून्य, यानी वेजिटेबल है, विदाउट पैकेज आइटम, मीट, मिल्क वगैरह के लिए 0% का टैक्स है। और 1% किस पे लग रहा है, डायमंड पे लग रहा है, गोल्ड पे लग रहा है, सिल्वर पे लग रहा है, ठीक है, इसका अलग अलग रेट बदलता रहता है। और 12.5% है, ये मार्बल है, ऑटोमोबाइल्स है, स्टोन वगैरह पे लगेगा, ठीक है ना। और जो 4% है, एग्रीकल्चर थिंग्स पे, ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह पे लगेगा, ठीक है। देखो वैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है ऑन गुड्स इन इंडिया में, और इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म एसोसिएट किए गए हैं, जैसे इनपुट वैट क्या होता है, आउटपुट वैट क्या होता है। इनपुट वैट हम तब होता है जब परचेस करते हैं कोई सामान, ठीक है ना, टैक्स पेड ऑन परचेस गुड। जब कोई सामान परचेस करते हो, उस वक्त आप इनपुट वैट का एक लेजर बना करके टैक्स काटते हो। और आउटपुट वैट क्या है, आउटपुट वैट का मतलब टैक्स पेड ऑन सोल्ड गुड्स। जब हम सामान को बेचते हैं ना, ठीक है, तब हम आउटपुट वैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है कि आपको प्रेस करना पड़ेगा कुछ की, जैसे F11 प्रेस करोगे और F3 प्रेस करोगे, तो इससे क्या आएगा, टैक्सेशन का फीचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा होगा इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको यस करना है, और सेट अल्टर यस करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एक्टिवेट करके यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिखेगा फॉर्म का, इसको आप सेट करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, इनको भी समझ लो थोड़ा। अगर लेजर आप बना रहे हो तो लेजर कैसे बनाओगे, ठीक है, पहले से हम लेजर बना के रख लेते हैं, थोड़ा सा काम करने में आसान होता है। जैसे मान लो किसी आइटम पे 4% का टैक्स लग रहा है, तो आप एक लेजर बनाओगे परचेस एट द रेट 4%, तो इसका जो अंडर ग्रुप सेट करते हो आप, परचेस अकाउंट सेट करोगे। और एक होता है वैट क्लास, वहाँ पे जब आप सेट अल्टर आपने यस किया था ना, तो जब आप इसको लेजर बनाओगे तो आपको पूछेगा परचेस, सॉरी यहाँ पे वैट रिटर्न के लिए पूछेगा, वहाँ पे अप्लीकेबल करके आप बनाओगे परचेस वैट एट द रेट 4%, समझ में। इसी तरह से जितने परसेंट होंगे वैसे बना लेंगे। फिर परचेस में इनपुट लगता है, तो अभी कहोगे परचेस एट द रेट 4%, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, जितने भी टैक्स काटते हैं हम लोग ड्यूटी टैक्सेस बनाते हैं अंडर ग्रुप, ठीक है। इसका जो वैट क्लास होगा, इनपुट वैट एट द रेट 4%, ठीक है। और सेल का क्या होगा, सेल का सेल अकाउंट हो जाएगा, और सेल में क्या लगता है, आउटपुट लगता है, ठीक है। अब समझते हैं कुछ और। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमें पूरा डिस्कस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वैट यूज़ कर पाते हैं। लिखा कि परचेस सम आइटम फ्रॉम ड्रग्स, फ्रॉम प्रकाश ड्रग, ठीक है ना, मतलब कि प्रकाश ड्रग सेंटर है, यानी कोई शॉप है, मेडिसिन बेचता है, ठीक है। तो हम क्या करें, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। इन देखो यहाँ लिखा कि स्टालोपम लाइट टैबलेट का नाम है, एक बॉक्स खरीद रहे हो और 5000 के रेट से सब खरीद रहे हो। एंड्रोल 10 है, मेडिसिन का नाम है, 500 pH, यानी फील्स बोलते हैं ना, फाइल्स बोलते हैं, ठीक है, पत्ते को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दो पत्ता दीजिए टैबलेट, वो चीज़ें, ठीक है, 200 के रेट से। बिकॉज सूल है, ऐसे लॉक है, जेंटेक है, और इस पर लगा है वैट कितना, 4%। तो इसको हम चलिए टैलीम करके देखते हैं कि कैसे यूज़ कर पाएंगे।